दोस्तों लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग समरी वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर लेग्स। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है कुछ लोगों का जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और अपने पैरों पे खुद से खड़े नहीं हो पाते, तो लोग सब एक साथ जुट के एक एसोसिएशन बनाते हैं। दे कम टुगेदर नॉट विथ अ व्यू टू गेट प्रॉफिट। वो लोग साथ में आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बट टू ओवरकम डिस्टेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वांट ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सब लोग साथ में आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक जो डिस्टेबिलिटी बनी रहती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को उसको खत्म करने के लिए। द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यह होता है कि वो लोग खुद की मदद कर सके और एक साथ एक दूसरे की मदद कर सके। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इजी फॉर्मेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, गवर्नमेंट असिस्टेंट, ओपन मेंबरशिप, etc। जो एडवांटेज होते हैं कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें यह आता है कि यह बहुत ही आसान होता है फॉर्म करना, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है और गवर्नमेंट की असिस्टेंट भी मिलती है और इसका मेंबरशिप जो है ओपन रहता है हर किसी के लिए। डिसएडवांटेजेस इंक्लूड लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेन, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी, राइवलरी अमंग मेंबर्स, etc। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें एक प्रॉपर बिजनेस प्रोफेशनल नहीं रहते ज्यादातर और इसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट का एब्सेंस रहता है और लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब इसमें भी कोई सीक्रेसी नहीं बना सकते आप, और राइवलरी अमंग पार्टनर मतलब पार्टनर के बीच में या मेंबर्स के बीच में राइवलरी रहती है। दोस्तों अगला टॉपिक है कीवर्ड्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिए हुए हैं जिसका डेफिनेशन आपको जानने बहुत ही जरूरी है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है तो आइए देखते हैं। अ पार्टनर हु टेक एन एक्टिव पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनर जो कि एक्टिवली भाग लेता है बिजनेस का ऑपरेशन में, उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं। चार्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होती है आइए देखते हैं। अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल रॉयल चार्टर granted by the monarch। एक कंपनी जो कि एक स्पेशल रॉयल चार्टर के द्वारा मोनार्क के द्वारा जो है ग्रांट की गई हो उसको हम लोग चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। कंपनी क्या होती है? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक एसोसिएशन कुछ लोगों का जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया गया हो। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यह एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है। विथ अ डिस्टिंक्टिव नेम, उसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होता है। कॉमन सील, एक कॉमन सील होती है जो हर जगह लगती है। एंड परपेचुअल सक्सेशन ऑफ इट्स मेंबर, और इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है उसके मेंबर्स का, मतलब कि अगर कोई मेंबर रिटायर होगा तो उसके आगे कौन आएगा इसमें पहले से ही डिसाइडेड होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम टू सच एमंग एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द event of its being wound up। एक कंपनी जिसका लायबिलिटी होता है उसका मेंबर जो कि लिमिटेड होता है अपने मेमोरेंडम के द्वारा एक अमाउंट से जो कि मेंबर्स रिस्पेक्टिवली अंडरटेक कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एसेट में कंपनी के, अगर वाउंड अप का इवेंट होता है तो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। एक कंपनी जो कि लिमिटेड है अपने मेंबर्स से मेमोरेंडम के द्वारा और शेयर का वैल्यू उनके मेंबर के द्वारा हेल्ड किया गया है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। एक वॉलंटरी एसोसिएशन कुछ लोगों का जो कि एस्टैब्लिश किया गया हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर। जनरल पार्टनर क्या होता है? अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड एंड आल्सो इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। एक पार्टनर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का जिसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है और वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के मैनेजमेंट में, उसको हम लोग जनरल पार्टनर कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। एक कंपनी जिसका 51% जो है कैपिटल गवर्नमेंट के पास होता है उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? अ पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। एक पार्टनर जिसका लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके प्रोपोर्शन में, उसको हम लोग लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म क्या होता है? अ बिजनेस फर्म ओन बाय एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली। एक बिजनेस फर्म जो की ओन किया जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के द्वारा, उसको हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? अ पार्टनर हु जस्ट लेंड हिज नेम टू द पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर जो भी सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप फर्म को यूज करने के लिए। ही नेदर इन्वेस्ट हिज कैपिटल नॉर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ना ही वो इन्वेस्ट करता है कोई पैसा कैपिटल के रूप में, ना ही बिजनेस को मैनेज करने में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। पार्टनर क्या होता है? अ पर्सन हु इज द मेंबर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक आदमी जो कि मेंबर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, उसको हम लोग पार्टनर कहते हैं। पार्टनर बाय स्टोपेल क्या होता है? अ पर्सन हुज कंडक्ट एंड बिहेवियर क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट ही इज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। एक आदमी जो कि ऐसा बिहेव करता है और ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि वो एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, उसको हम लोग पार्टनर बाय स्टोपेल कहते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? इफ अ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिप्रेजेंट दैट वन पर्सन इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द फर्म एंड इफ सच अ पर्सन डज नॉट डिस्क्लेम द पार्टनरशिप रिलेशन इवन आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट, सच पर्सन इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब कि अगर एक मेंबर जो है पार्टनरशिप फर्म का वो ये कहता है कि ये भी एक आदमी है और ये भी इस फर्म का पार्टनर है, और जिसको बोलना है वो जो है मना नहीं करता मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो उस केस में वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाता है। पार्टनर बाय प्रॉफिट क्या होता है? अ पार्टनर हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग लायबल फॉर लॉसेस। एक पार्टनर जो कि सिर्फ प्रॉफिट ही लेता है बिजनेस है और लॉस के टाइम पे उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं रहती, उसको हम लोग पार्टनर बाय प्रॉफिट कहते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट entered into by partner specifying the constitution, rule and regulation of the partnership। एक रिटन या फिर ओरल एग्रीमेंट जो कि पार्टनर के बीच में किया गया हो, जो कि स्पेसिफाई करता हो कॉन्स्टिट्यूशन के, रूल और रेगुलेशन पार्टनरशिप के, उसको हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच इज ड्यूली स्टैम्प एंड रजिस्टर्ड। एक रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको मतलब स्टैम्प किया गया है और रजिस्टर किया हुआ हो गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एंड एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। एक एसोसिएशन जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं वो ज्वाइन टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो कि सब एक साथ ज्वाइन करते हैं कि वो लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, अगर बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएंगे जो कि चलाया जा सकता है सभी के द्वारा या फिर कोई एक उन सब के बिहाफ पे चला सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल। एक कंपनी जो कि अपने आर्टिकल के द्वारा, पहला पॉइंट है इसमें लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 एक्सक्लूडिंग एक एम्प्लॉय। जो कि लिमिट करती है अपने मेंबर्स को 50 से, मतलब 50 से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोग नहीं हो सकते जिसमें एक्सक्लूड नहीं होते एम्प्लॉयज। दूसरा है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, जो की अपने शेयर को ट्रांसफर करने से रोकती हो। और तीसरा है prohibits the invitation to the public to subscribe to its share and debenture। और पब्लिक को रोकती हो कि वो लोग खरीद या बेच सके उस कंपनी का शेयर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आ जाती है। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के अंडर, उसको हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब एक तरह से रजिस्टर्ड ही होता है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर जो कि पार्टनरशिप फर्म है वो इज नॉट एक्टिवली एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ द फर्म। जो कि एक्टिवली जुड़ा नहीं हुआ है कि फर्म में काम क्या हो रहा है, उसको हम लोग स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वन मैन्स बिजनेस इन व्हिच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स इंडिपेंडेंटली विथ हिज ओन कैपिटल। एक आदमी का बिजनेस जो कि सिंगल आदमी है, खुद से वो सामान बनाता है अकेले अपने कैपिटल से। कैपिटल अपना खुद लगाता है, पैसा उसमें, स्किल अपना स्किल लगाता है और इंटेलिजेंस लगाता है। एंड इंटाइटल टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट। और उसको पूरा अधिकार होता है कि जितना भी उसका प्रॉफिट हो खुद के पास रखे। एंड अज्यूम ऑन रिस्क ऑफ ओनरशिप। और वो जितना भी रिस्क होता है ओनरशिप का वो भी लेता है। स्टेटूटरी कंपनी क्या होता है? अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यह कंपनी जो कि बनाई जाती है किसी स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको हम लोग स्टेटूटरी कंपनी कहते हैं। और लिमिटेड कंपनी क्या होती है? अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। एक कंपनी जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है उसको हम लोग अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में या कोई सवाल जवाब हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं आसानी से। मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।